क्या, अरे अरे गुड़िया क्या हो गया? भैया ने आउट कर दिया। भैया तो क्रिकेट में तो बेटा आउट होता ही है ना। मैं बैटिंग नहीं कर रही थी। हैं? एक मिनट भैया, भैया हेलो, तुमने इसको आउट किया छोटी बहन को? यस। क्यों? वो क्रिकेट खेल रहे हम लोग। क्रिकेट में वो तो कह रही है कि मैं बैटिंग भी नहीं कर रही थी। तभी जो ये रन भाग रही थी मैंने विकेट तोड़ दी थी। वार्निंग दी थी तुमने? नहीं। तुमने कहाँ देखा ये आउट? मैंने टीवी में देखा था कल। बेटा ये गलत होता है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ होता है, ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है? Last delivery. Oh, hello. Looking for the man can, wasn't on. बाबा ये होता क्या? मैंने सुना था ऐसे कुछ कट और कुछ है। मैन कट होता है। मैन कट साहब एक थे, वीनू मनकट, इंडिया के कैप्टन। ही वाज वेरी गुड। He was a very good fielder, he was a very good batsman, he was a very good bowler. और वो वाहिद आदमी है दुनिया में who has batted from number 1 to number 10 position. उन्होंने बिल ब्राउन को ऐसे ही आउट किया था 1947-48 में। ऐसे विकेट तोड़ दी थी। पहले उन्होंने बिल ब्राउन को एक मैच में वार्निंग दी। नेक्स्ट साइड मैच हुआ उसमें भी बिल ब्राउन को ऐसे ही वार्निंग दी, वो आगे निकला जा रहा था। तो टेस्ट मैच था उसमें वीनू मनकट ने इधर उधर देखा ही नहीं, रन आउट कर दिया और अंपायर से कहा आउट है। अभी वीनू मनकट ने पता है कौन से ग्राउंड में आउट किया था? सिडनी में। चार्ली ग्रिफिथ ने एक बैट्समैन को आउट किया था एडिलेड में। उसके बाद जो ये इवन चैटफील्ड था न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर, इन्हें क्राइस्टचर्च में आउट किया था। जो ये सब बाबा बास्केटबॉल में सब लोग क्रिकेटर हैं। सब सब क्रिकेट में ही तो कर सकता है। और पता है सिक्कू भाई नहीं है सिकंदर बख्त जो बाबा के साथ नहीं होते टीवी पे, वो एक मैच में ऐसे ही आउट हो गए तो उनको एलन हर्स्ट ने रन आउट कर दिया था। मनकट वो कर रहे थे बैटिंग आसिफ इकबाल साहब के साथ, आसिफ इकबाल ने सेंचुरी कर ली थी पर्थ के टेस्ट में। और पता है तुम्हारी बर्थडे कब होती है? जून 5। और आसिफ इकबाल की बर्थडे होती है 6 जून। और मैं उनको विश करता हूँ हमेशा, बताता हूँ उनको कि जो मेरा बेटा है वो 5 जून है, तो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने एक दफ़ा तुमको विश भी किया था कि मेरी तरफ से उस बच्चे को पूछ देना अपने बेटे को। हैं ही इज़ अ पीपल वेरी गुड क्रिकेटर और बहुत अच्छा खेलते थे। नहीं नहीं वनडे में भी होता है और T20 में भी होता है। T20 होता है वो जो 20 ओवर्स के मैच होते हैं, 20-20, और वनडे जो होते हैं वो 50-50 ओवर्स के। अच्छा पता है एक बात मज़े की, ज़रूरी नहीं है कि आप रन आउट करें। ज़रूरी नहीं कि आप सामने वाले बैट्समैन को रनर निकला तो आपने यूं करके आउट कर दिया, वार्निंग दे के कभी आप छोड़ भी देते हैं। एक दफ़ा 1987 में मैच हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का लाहौर में। पाकिस्तान को 3 बॉलों पर 10 रन चाहिए थे, जो टीम मैच जीतती सेमीफाइनल में पहुँच जाती। उसमें अब्दुल कादिर ने पहले कॉटनी वॉल्स को छक्का मारा, उसके बाद डबल रन लिए। जब लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे और कॉटनी वॉल्स भागता हुआ आया तो सलीम जाफर साहब जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे वो आगे निकल आए थोड़ा सा, कॉटनी वॉल्स रुक गया, कॉटनी वॉल्स ने आउट नहीं किया। अगर वो आउट कर देता तो वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल में पहुँच जाती। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने टूर्नामेंट के बाद कॉटनी वॉल्स को इनाम भी दिया, इतनी इतनी बड़ी बात करने का। और जब कॉटनी वॉल्स से पूछा ना किसी ने कि तुमने आउट क्यों नहीं किया, तो उसने कहा मैं ऐसे क्रिकेट खेलता ही नहीं। कॉटनी वॉल्स दुनिया का पहला बॉलर है जिसकी टेस्ट मैचेस में 500 विकेट्स हुई नहीं। यू नो दैट 500 विकेट्स जी एक मैच में? सर एक मैच में ले सकता है 500 विकेट्स? बेवकूफ़ी की बात, ले सकता है नहीं। मुझे बताओ एक मैच में कोई 500 विकेट्स कैसे ले सकता है, बताओ। ऐसे किया ही कभी? हाँ किसने? टोटल एक एक टीम में कितनी विकेटें होती हैं? 10 से ज़्यादा होती नहीं है। एक मैच में कोई बहुत ले सकता है तो 20 ले सकता है, कैसे ले सकता है कोई 500 विकेट्स? ऐसे जब वो बहुत सारे नहीं होता। हाँ बहुत बिल्कुल, टेस्ट मैचेस के अलावा वनडे में भी बहुत हुआ है ऐसे। और ग्रेग चैपल ने सबसे पहले आउट किया था, और जो अभी शादाब को आउट किया है इससे पहले कपिल देव ने किया था पीटर कस्टन के साथ। पीटर कस्टन भी एक मैच में वार्निंग दी नहीं रुके, दूसरे में वार्निंग दी नहीं समझे। एक मैच में कपिल देव को गुस्सा आ गया, कपिल देव ने खड़ा करके आउट कर दिया। और एक तो क्रिस गेल का बहुत मज़े का है, क्रिस गेल ने बॉलिंग करने आया वेस्ट इंडीज़ का बॉलर, वो जो था रनर वो बाहर निकल गया, तो क्रिस गेल ने खड़े होकर विकेट के पास ड्रामा किया यू करके कि मैं तुम्हें आउट कर सकता हूँ, आउट नहीं किया। ऐसे रविचंद्र
रविचंद्र अश्विन जो इंडिया का स्पिनर है वो ये बहुत करता है, वनडे में भी आउट कर लेता है, T20 में भी ऐसे ही आउट कर देता है प्लेयर को, और उसमें भी साइड मैचेस में भी करता रहता है, उसको बहुत शौक है इस तरह करने का, पता है ये बात? नहीं। खैर वैसे क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक मैनकट करना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए अब आप खेल रहे हो ना, फ़न कर रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए ना कि आप उस फन में कोई ऐसा काम ना करो कि सब लोग जो हैं वो सैड हो जाएं, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट हो जाए, कोई स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट तो नहीं जाता है ना, नहीं जाना चाहिए ना, है अभिया? अभिया अब अगर कभी चांस मिला तुम करोगी मनकट भैया को? करोगी क्यों, लेकिन पहले वार्निंग दोगी ना, तुम भी वार्निंग दे देना, ठीक है? हाँ।